ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। गर्भवती हथनी की मृत्यु पर भी सियासत। जो घटना हुई, जिस हथनी की मृत्यु हुई, उससे पूरे देश के हर व्यक्ति को ठेस पहुंची है, हर व्यक्ति को दुख हुआ। और हमारी संस्कृति में हाथी का विशेष महत्व है, ये सब हमको पता है। पर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो गर्भवती हथनी की मृत्यु पर अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, कि उस दिन उनके दिल को ठेस क्यों नहीं पहुंची थी जब देहरादून में एक घोड़े के, पुलिस के घोड़े को बीजेपी के एमएलए ने इतना मारा कि वो मर गया। उस दिन उनके हृदय को ठेस क्यों नहीं पहुंची थी जब मौजूदा सरकार के ही मंत्री ने नील गाय को मारने तक के आदेश दे दिए थे। उस दिन उनके हृदय को ठेस क्यों नहीं पहुंची। यहाँ पे ये सियासत इसलिए की जा रही है क्योंकि राहुल गांधी जी केरला से सांसद है, इसलिए आप अपनी सियासत चमकाना चाहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये घटना पलक्कड़ की घटना है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क की घटना है, जो कि एक अलग संसदीय क्षेत्र है। मल्लापुरम एक दूसरा संसदीय क्षेत्र है, वायनाड एक तीसरा संसदीय क्षेत्र है। आप इसको जोड़ने का प्रयास ना कीजिए। और आप अगर ये कहना चाहते हैं कि केरला के सांसद होने के नाते राहुल गांधी जी उत्तरदायित्व को लेना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब गुजरात में फर्जी वेंटिलेटर सप्लाई किए तो गुजरात के सारे सांसदों ने उत्तरदायित्व क्यों नहीं लिया? देश के गृह मंत्री जी ने उत्तरदायित्व क्यों नहीं लिया उस फर्जी वेंटिलेटर का? मैं पूछना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में घटना होती है, भले ही आगरा की घटना हो, जहां पे एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया जाता है, मैनपुरी में दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके मार दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के सांसद है, वो इसकी घटना की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं? मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, सियासत बंद करिए। ये एक दुखद घटना है, देश पूरा इस घटना के बाद हर व्यक्ति को ठेस पहुंची है, इसका राजनीतिकरण ना करें।